My dear species fellows, hope you are doing great. Today we will conclude political system of the United States of America. Political system जो United States की है वो एक federal republic है. Federal republic मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्या है. इसमें federation भी आ जाती है और फिर ये republic भी है. यानी कि public का कोई लेना देना है इस federal system में. तो इसको समझने के लिए कि public का federal system में क्या लेना देना है, पब्लिक वोट्स के जरिए आपने फेडरल रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, तो इसलिए इसको फेडरल रिपब्लिक का नाम दिया गया. इसमें फेडरल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कंबाइन जब होती है तो फिर ये पूरा फेडरल रिपब्लिक बनता है. लेट्स ब्रेक डाउन द की कंपोनेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ द यूएस पॉलिटिकल सिस्टम इन डिटेल्स. हम अब इस पॉलिटिकल सिस्टम के जो की कंपोनेंट्स हैं उसको हम ब्रेक डाउन करके एक एक करके अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारे पास वो है फेडरलिज्म. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है एक फेडरलिज्म के सिस्टम के अंदर ऑपरेट करता है. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. फेडरलिज्म के सिस्टम में दो किस्म की गवर्नमेंट होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट. दोनों गवर्नमेंट की अपनी अपनी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इनकी अपनी अथॉरिटीज़ हैं, जुरिस्डिक्शन इनके अलग हैं. फेडरल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से सुप्रीम है. अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई चीज़ वायोलेट करती है या दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को ही तरजीह दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर. तीन ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट है, थ्री ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट ब्रांच इज लेजिस्लेटिव ब्रांच. लेजिस्लेटिव ब्रांच में कानून बनाए जाते हैं और उनको पास कराया जाता है. ये बाइकैमरल बॉडी, कांग्रेस जो है बाइकैमरल बॉडी है. मैं आपको बताता हूँ बाइकैमरल से क्या मुराद है. बाई से मुराद तो दो है, अब कैमरल केस चीज़ को कहते हैं. अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वन, अब बाइकैमरल को हम डिवाइड कर रहे हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वन हो गया हमारे पास. दूसरे नंबर पर है सेनेट. दो इसमें है चीज़ें, तो इसलिए हमको इसको बाइकैमरल कहते हैं. इस तरह पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो भी बाइकैमरल, इसमें नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों आते हैं. अब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो किस बेस पे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है पॉपुलेशन की बेस पे. और सेनेट को किस चीज़ पे बनाया जाता है, हर स्टेट से दो सेनेटर लिए जाते हैं और फिर इस तरह सेनेट में सेनेटर की तादाद तय होती है. अब अमेरिका में 50 स्टेट हैं तो 50 को 2 से ज़रब दें तो 100 सेनेटर बनते हैं सेनेट के अंदर. अब कांग्रेस जो है इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, ये टैक्स लेवी करता है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल भी करता है. अब जनाब हमारे पास दूसरा ब्रांच है गवर्नमेंट का, वो है एग्जेक्टिव ब्रांच. एग्जेक्टिव ब्रांच का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट जो है वो एग्जेक्टिव ब्रांच का हेड है. और ये प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से इख्तियार हैं, प्रेसिडेंट इंप्लीमेंट करता है और इन्फोर्स करता है लॉज को. कौन से लॉज को, जो हमें लेजिस्लेटिव ब्रांच लॉज बना के देती है और एग्जेक्टिव ब्रांच उन लॉज को इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स कराती है. और इस एग्जेक्टिव ब्रांच का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है. अब हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास और कौन सी पावर्स हैं. फॉरेन अफेयर को भी प्रेसिडेंट कंट्रोल करता है. कमांडर इन चीफ के तौर पे सर्व करता है प्रेसिडेंट. मिलिट्री का जो कमांडर इन चीफ है वो भी प्रेसिडेंट है. एग्जेक्टिव ब्रांच जो है इसमें और भी बहुत सारी जो फेडरल एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी एग्जेक्टिव ब्रांच का हिस्सा है. तीसरा जो गवर्नमेंट का ब्रांच है वो जुडिशियल ब्रांच है. अब डियर एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ब्रांच इन तीनों को साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले था लेजिस्लेटिव ब्रांच. लेजिस्लेटिव ब्रांच ने कानून बनाए और उनको पास कराया. और उसके बाद हमारे पास आया गया एग्जेक्टिव ब्रांच. वो कानून बन गया, उन कानून को इंप्लीमेंट कराना है, उनको इन्फोर्स कराना है. तो एग्जेक्टिव ब्रांच का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट अपने अंडर जितनी भी उसकी चीज़ें होती हैं, कैबिनेट होती है, वो उनके जरिए इन्फोर्स को इम्प्लीमेंट कराता है, इन्फोर्स कराता है. अब जुडिशियल ब्रांच है, एक कानून बन गया, लेजिस्लेटिव ब्रांच ने बनाया और एग्जेक्टिव ब्रांच ने उसको इन्फोर्स कराया. सबसे पहले उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उस कानून को इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट्स मौजूद है. दो किस्म के कोर्ट्स है, यूएस सुप्रीम कोर्ट है और फेडरल कोर्ट सिस्टम है. ये दोनों कोर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं उन लॉ को जो लेजिस्लेटिव ब्रांच बना के इनको देती है. इन लॉ को इंटरप्रेट करने के बाद कैसे इनको इंटरप्रेट करते हैं ताकि वो फेयरली अप्लाई हो सके और कंसिस्टेंटली अप्लाई हो सके. इंटरप्रिटेशन इसलिए की जाती है कहीं ये लॉ वायोलेट ना करें ह्यूमन राइट्स को या किसी और नेशनल इंटरेस्ट को, और मुकम्मल तौर पे इनको एनी किस्म के तनाजुर में ढांप के देखा जाता है. सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास अथॉरिटी है रिव्यू करने की
कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी ले सकती है सुप्रीम कोर्ट। अब एक लॉ बन गया वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिव्यू की अथॉरिटी है उसके पास, वो प्रोसेस पूरा है, उस प्रोसेस को हम जुडिशल रिव्यू कहते हैं। ये थी तीन ब्रांचेस। अब चेक्स एंड बैलेंस, तीन ब्रांचेस बन गई, इन तीन ब्रांचेस के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस किस तरह रखा जाता है। यूएस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस तरह डिजाइन किया जाता है कि चेक्स एंड बैलेंस को बरकरार रखा जा सके और प्रिवेंट किया जा सके किसी भी गवर्नमेंट के इदारे को, किसी भी ब्रांच को, कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए कि वो दूसरे ब्रांच पे हावी हो जाए। जिस तरह तीनों ब्रांचेस हमने की, तीनों ब्रांचेस में कोई भी ब्रांच इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकती कि चेक्स एंड बैलेंस उसके ऊपर ना हो और वो बेलगाम घोड़े की तरह बन जाए। हर ब्रांच में कुछ मेयर्स इन्फ्लुएंसर हैं, ओवर टू ब्रांचेस, वो कुछ मेयर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं दो ब्रांचेस के ऊपर। मिसाल मैं देता हूँ, प्रेसिडेंट जो है वो वीटो करता है लेजिस्लेशन पास्ट बाय कांग्रेस। कांग्रेस ने एक लेजिस्लेशन पास्ट किया, प्रेसिडेंट को वो कानून पसंद नहीं है, प्रेसिडेंट उसको वीटो करता है। उस वीटो को ओवरराइड किस तरह किया जाता है, कांग्रेस टू थर्ड मेजोरिटी के जरिए उस वीटो को ओवरराइड कर सकती है। अब हमारे पास है फोर्थ इलेक्शन देन डेमोक्रेसी। यूनाइटेड स्टेट क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। पहले मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड स्टेट क्या है, वहाँ पे हमने एक और बात की थी, अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक से वाजे तौर पे दिखाई दे रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में डेमोक्रेसी है और रिपब्लिक यानी कि पब्लिक ही इस डेमोक्रेसी को लेके आती है। मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो वोट कर सकते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, फिर वो गवर्नमेंट बनाते हैं। रेगुलर इलेक्शन होते हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर जिसके जरिए कांग्रेस के मेंबर्स को चूज किया जाता है। अब स्टेट जो है, लेजिस्लेचर जो है, प्रेसिडेंट जो है इनको कौन इलेक्ट करता है, इनको पीपल सिटीजन इलेक्ट करते हैं। किस चीज़ के जरिए, अपने वोट के जरिए, लेजिस्लेचर्स को भी, प्रेसिडेंट को भी और मेंबर ऑफ कांग्रेस को भी। ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसने ये चीज़ मुमकिन बना दी है कि जो पावर की ट्रांजिशन है वो पीसफुल हो। अब एक प्रेसिडेंट के पास पावर है, अगर वो नहीं देना चाहता दूसरे को, अगर सिटीजन्स उसको अपने वोट के जरिए इलेक्ट करके ले आते हैं तो फिर प्रेसिडेंट को वो पावर दूसरे प्रेसिडेंट को देना पड़ता है। बिल ऑफ राइट्स की बात करेंगे, इंडिविजुअल राइट्स की बात करेंगे। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल ऑफ राइट्स मौजूद है, यानी कि जो 10 अमेंडमेंट्स हैं वो हुए ही इस वजह से हैं कि वहाँ पे राइट्स दिए जाए सिटीजन्स को। कौन कौन से राइट्स, जो अहम राइट हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए, फ्रीडम रिलीजन दिया जाए, वो जिस मजहब की भी है उसको हक हासिल हो कि वो अपने मजहब को मजहब के मुताबिक इबादत कर सके और मजहब के प्रचार कर सके। अब फेयर ट्रायल का भी राइट हासिल होना चाहिए, कोई कोर्ट में अपना मुकदमा लेके जाता है तो जज साहिबान पे ये फ़र्ज है कि उसको मुकम्मल तौर पे सुने और उसके मुकम्मल तहकीक करने के बाद एक फैसला दें। टू द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो राइट्स हैं ये सेंट्रल पार्ट हैं अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के। अब सिक्स नंबर पे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम डोमिनेट करता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। पहला पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी का इस वक्त जो बड़ा है वो है ट्रंप, डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बड़ा है उस इस वक्त वो है जो बाइडन। ये जो पार्टी हैं ये शेप करते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ अमेरिका को, अमेरिका की पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसी होगी ये दोनों पार्टीज शेप करेंगी। क्यों, क्योंकि तमाम जो ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर है ये एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। फेडरल स्टेट गवर्नमेंट, सातवें नंबर पर हमारा सातवां पॉइंट है फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। दो गवर्नमेंट की बात की हमने, फेडरल की और स्टेट गवर्नमेंट की। अब फेडरल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो नेशनल डिफेंस को देखेगी, फॉरेन पॉलिसी को देखेगी, इमिग्रेशन को देखेगी। और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो एरियाज आते हैं वो एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और क्रिमिनल जस्टिस है। यानी कि हर स्टेट के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना गवर्नमेंट है, अपना लेजिस्लेचर है, अपना कोर्ट सिस्टम है। ये बेहतरीन सिस्टम है। अब आठवें नंबर पे अमेंडमेंट प्रोसेस, अमेंडमेंट का प्रोसेस किस तरह होता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इतना आसान नहीं है उसमें कोई अमेंडमेंट की जाए। आर्टिकल 5 में पूरा प्रोसेस दिया गया है किस तरह अमेंडमेंट की जा सकती है। ये जो प्रोसेस है बहुत डेलिब्रेट और रिगोरस है, बहुत सख्त है। इसमें अमेंडमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, इसमें जो है एक्सपेंशन ऑफ सिविल राइट्स आप कर सकते हैं। अमेंडमेंट्स जो है उसके लिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट की ज़रूरत होती है। टोटल अमेंडमेंट इस वक्त जो अमेरिका में हिस्ट्री के अंदर हुई है वो टोटल कुल के कुल 27 है।
लोकल गवर्नमेंट की बात करें, एक तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, एक तो गवर्नमेंट जो है वो हमारे पास कौन कौन सी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके नीचे लोकल गवर्नमेंट्स हैं। लोकल गवर्नमेंट्स कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स, ये सारी चीज़ें इनके नीचे आ जाती हैं। ये अपने ऑफिशियल्स को अलेक्ट करते हैं और उनकी अपनी जरिस्डिक्शन होती है और वो लोकल मैटर्स के ऊपर डिसीजन लेते हैं। अब 10वें नंबर पे ये हमारा लास्ट पॉइंट है, क्योंकि और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन ये सबसे अहम पॉइंट्स जो है हमने 10 कंक्लूड किए हैं। इंटरेस्ट ग्रुप और सिविल सोसाइटी, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप और सिविल सोसाइटी, ये मिलके क्या करते हैं, पब्लिक पॉलिसी को शेप करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं, इलेक्टेड ऑफिशियल्स को और पब्लिक ओपिनियंस को शेप कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी है, अपना रोल प्ले करते हैं। यूएस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी कमिटमेंट, यूएस पॉलिटिकल सिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स कमिटमेंट टू, कमिटमेंट कौन सी है, डेमोक्रेसी होगी मुल्क के अंदर, रूल ऑफ लॉ होगा मुल्क के अंदर, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, पावर किसी एक बंदे के पास नहीं होगा, पावर को सेपरेट किया जाएगा। जिस तरह हमने ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट देखे हैं और वहाँ पे जो चेक्स एंड बैलेंस हैं, पावर को चेक भी किया जाता है, बैलेंस भी किया जाता है, पावर को डिवाइड भी किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट बना दिए, क्यों, पावर को सेपरेट किया, पावर को डिवाइड किया, पावर को ट्रांसमिट किया, ताकि पावर हाई ऑफिशियल से लेके नीचे निचले तबके तक उसको पावर को जो है वो डिवाइड किया जा सके। अब बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंस इंटरेस्ट को किस तरह बैलेंस किया जाता है, फेडरल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को, स्टेट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल सिटीजन्स के इंटरेस्ट को, उनके फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करके उनके इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाता है। सिस्टम जो है वो अंडरगोन सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड अडॉप्टेशंस, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। अब इसमें सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स और अडॉप्टेशन हुई है, जिसकी वजह से वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में शुमार होता है अमेरिकन डेमोक्रेसी का। आज का ये टॉपिक था, आज इस हमने कोशिश की इसको कंक्लूड करने की, उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आया हो और आपको बातें भी समझ आई हो, तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।